सो दोस्तों, आज टेम्परेचर है 23 डिग्री। ये इसमें दिखा रहा है मुझे गार्डन में, बड़ा लवली सा वेदर है, पार्टली क्लाउडी है, ब्यूटीफुल व्यू है मॉर्निंग का। दिखाए थे टमाटो के पेड़, ये मैंने चेंज किए हैं पॉट में, और यहाँ पे चेंज करने के बाद थोड़े से ऐसे मुरझा भी गए हैं और इसमें ठीक ठाक आए हैं। और अब मुझे करना है ये मिर्ची के प्लांट है छोटे छोटे, लेकिन ये बहुत सारे हैं यहाँ पे, तो मैं इनको भी शिफ्ट करने की कोशिश करूँगी। डर भी लग रहा है कि पता नहीं ये चल पाएंगे अगर मैं शिफ्ट करूँगी, क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा घने हैं, देखो बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। अब इनको मुझे पॉट में चेंज करना है, और ये पॉट में मैंने मिट्टी डाल के रखी है ऑलरेडी, इसमें शिफ्ट करूँगी इनको। और ये देखो एलोवेरा कितना अच्छे से हुआ है, कभी कभार मैं यूज़ करती हूँ। इसके बीच बीच में ये पता नहीं कहाँ से कुछ और ही प्लांट उग जाते हैं। तो मेरा कोरिएंडर, ये बिल्कुल अब यूज़ करने लायक हो गया है, हार्वेस्ट करूँगी अब इसको मैं जल्दी। ये देखो कितना अच्छा हो गया, अब ये घर का धनिया है मेरा, तीन पॉट में लगाया था और तीनों बहुत अच्छे से आया है, और अब इसको मैं यूज़ कर सकती हूँ सब्जी में। और यहाँ भी कुछ ये फ्लावर है और ये टमाटो के हैं, अभी भी पेड़ मैंने शिफ्ट भी किए हैं थोड़े से, लेकिन अभी भी हैं इसमें काफ़ी सारे, और देखती हूँ इनको भी शिफ्ट करूँगी मैं इधर उधर। सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल, गुड मॉर्निंग एवरी वन। आज क्लाउडी सा वेदर है, बड़ा ही अच्छा सा लग रहा है, और 8:30 हुए हैं, और मैं यहाँ गार्डन में आई थी तो मैंने सोचा कि जो मिर्ची के प्लांट हैं वो अब इस लाइक हो गए हैं कि उनको पॉट दूसरे पॉट में चेंज किया जाए, नहीं तो इतना फ्रूटफुल नहीं होता है अगर ज़्यादा वो रहे। सो चलो वही करती हूँ। तो आपको मैंने दिखाया कि मेरे टमाटो प्लांट्स कितने अच्छे से ग्रो हो रहे हैं, और मिर्ची के प्लांट मैं चेंज करने जा रही हूँ, फिर मिलती हूँ आपको चाय के टाइम पे। सो चलो पहले तो वो काम फिनिश करते हैं, फिर बाकी बातें करते हैं। तो ये है मिर्ची के प्लांट, और ये है मेरे पास पॉट में मिट्टी है, और ये दो पॉट और हैं, इसमें मैं इनको थोड़े थोड़े प्लांट्स बीच में से निकाल के चेंज करूँगी। सो चलो पहले मैं ये काम फिनिश करती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मैंने लगा तो दिए मिर्ची के पेड़ थोड़े, मतलब इसमें लगाए हैं, इसमें लगाए हैं, इसमें से निकाल के। एक्चुअली मुझे इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है नहीं, मतलब इन सब चीज़ों का फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, बस अच्छा लग रहा है। अगर आ गए अच्छे से तो ठीक है, प्रे करूँगी गॉड से ये आ जाएँ अच्छे से और इसमें मिर्ची लगे, फिर मैं आपको दिखाऊँगी। चलो अभी चलते हैं अंदर, कुछ चाय वाय पीते हैं, फिर मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपके साथ शेयर करा था ये डिटॉक्स वाटर के लिए, कि इसमें मैं लेके आई थी, अब मैं इसमें डाल दिया है मिंट, लेमन और जिंजर, और चाहो तो खीरा भी डाल सकते हो, मुझे थोड़ा टेस्ट खीरे का इतना अच्छा नहीं लगता। तो ये बन गया डिटॉक्स वाटर, और ये बहुत यूज़फुल है, आप भी इसको ट्राई कर सकते हो। सो सारा दिन मैं, मतलब इसको ही मैं और बाकी फैमिली मेम्बर्स भी इसको ही पियेंगे। ये देखो ये अंदर ऐसे है, और ये सारा दिन इसके अंदर डिटॉक्स वाटर बनता रहेगा, बहुत यूज़फुल है, आप भी ट्राई।
जो मेरे पंजाबी फ्रेंड्स हैं ना, वो इस बात से ज़रूर सहमत होंगे और रिलेट कर पाएंगे मुझे कि जब भी विंटर आता है तो पंजाब में स्पेशली बनती हैं अलसी की पिनिया, पंजीरी और गजरेला, गाजर का हलवा मीन्स जिसे कहते हैं, और ऐसी बहुत सारी मतलब चीज़ें जो हम यहाँ पे मिस करते हैं। एक्चुअली मैं बनाऊं भी तो कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि सिर्फ मुझे ही मेरे घर में खानी पड़ती है, और भी पीते हैं तो वो भी वेट बढ़ जाता है, तो मैं बनाती ही नहीं हूँ। तो जब कोई इंडिया से आता है तो मैं मंगवा लेती हूँ, जब मेरे घर के लोग भेज देते हैं। तो इस बार मुझे बड़ी स्पेशल चीज़ आई है, और वो भी कहाँ से आई है अभी आपको मैं चाय के टेबल पे बताती हूँ। वो कहते हैं ना, ऊपर वाले से कुछ मांगो तो वो आपकी सच्चे दिल से मांगो तो वो मुराद ज़रूर पूरी करता है। चाय के टेबल पे, और कहाँ से आई है और क्या चीज़ है, बड़ी इंटरेस्टिंग। चलो देखते हैं। ये तो है मेरा चाय का कप, और ये है वो दो डब्बे, और आपको ये डब्बा देख के समझ आ जाएगा ये पाकिस्तान से आया है। जी हाँ, और चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या है। आहा, क्या कहते हैं इसको पंजाबी में, तो रेवड़ियाँ बोल रहे हैं डब्बे में, और दूसरे डब्बे में वाह यम यम। सो ये है अलसी की पिनिया, जो हमारा देसी मतलब मॉर्निंग रूटीन में खाया जाता है, और ये है बर्फी। चलो मैं अब इसको थोड़ा इंजॉय करती हूँ अपनी गरम गरम चाय के साथ, फिर मिलती हूँ आपको। फ्रेंड्स, आई होप सो आज का ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है सो प्लीज़ लाइक दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हम लोगों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।